राजमाता अहिल्या देवी की पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने महिलाओं के लिए पिंक आई बस का लोकार्पण किया। इस बस में खास बात यह है कि इन बसों का स्टेयरिंग भी महिलाओं के हाथ में ही रहेगा। महिलाओं द्वारा संचालित आई बस का लोकार्पण प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने महिला बस चालक से चर्चा कर उनका अनुभव भी जाना। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों को रवाना किया। यह दोनों बसें निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे के बीच संचालित की जाएगी। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही तैनात की गई हैं। बस में केवल महिला यात्री ही सफर कर सकेंगे। शुभारंभ के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने बसों की ड्राइवर और क्लीनर को शॉल अर्पित करते हुए उनका सम्मान किया, साथ ही मिठाई खिलाई। इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि नगर निगम ने अहिल्या देवी की पुण्यतिथि पर सकारात्मक कार्य किया है। आज दिन भी बहुत पावन चुना है, आज माँ अहिल्या की पुण्यतिथि है और उस युग में उन्होंने मातृशक्ति का परचम फहराया। इंदौर निरंतर अपने हर कार्य से पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। आज का जो ये उपक्रम है ये तो और बहुत ही आनंददायी और श्रेष्ठ है, क्योंकि आज से सिटी बस का संचालन हमारी बहनें ऋतु और अर्चना करने जा रही हैं। ये निर्णय ये सिद्ध करता है कि मातृशक्ति यदि दृढ़ चरित्र, संकल्प, मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ काम करती रहे तो मुझे लगता है 21वीं शताब्दी का आधुनिक भारत मातृशक्ति के नेतृत्व में निर्मित होगा। वहीं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि नगर निगम की दो महिला ड्राइवरों ने अपनी ओर से प्रयास करते हुए बसें चलाने की पहल की है, जिसके 4 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस बनवाने में भी निगम ने उनकी मदद की और आज दोनों महिलाओं को आईबस की जवाबदारी सौंप दी गई है। आज माँ अहिल्या की पुण्यतिथि पर हम सभी उनको नमन करते हैं और उन्होंने इस पूरे मालवा रीजन के लिए जो नए प्रतिमान स्थापित किए शासन में, उसको भी इस रीजन के सभी लोग प्रयास करते हैं कि अपने कार्यों में लाएं। आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली जो AICTCL की पिंक बसेस चलती हैं, सिटी बसेस चलती हैं, उद्देश्य ये है कि आज का जो खास कार्यक्रम है वो इस बात को लेकर है कि इन दोनों बसेस के जो ड्राइवर हैं वो दोनों महिला ड्राइवर हैं, एक रितु नरवाले हैं, एक अर्चना कटारे हैं। ये दोनों लेडी ड्राइवर्स आज से अपनी बसेस ऑपरेट करेंगी। ये अपने आप में बड़ी चीज़ होगी क्योंकि हैवी व्हीकल के लाइसेंस पे बसेस चलाना, छोटे वाहन अभी तक महिलाएं अपने यहाँ चला रही थी। और एक और AICTCL ने पहले इनिशिएटिव लिया था जिसमें ई रिक्शास को कई सारी महिलाओं ने लिया था, कई सारे हमारे जो दरोगा हैं वो महिलाएं हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बस जो प्रतिमान है, जो सेट प्रतिमान है कि बसेस या बड़े वाहन जो हैं वो महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि ये भी एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सभी लोगों के लिए रहेगा। तो आज का कार्यक्रम इस दृष्टि से खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।